निरत सिद्धि हो जन नायक करी वर वदन करो अनुग्रह सोई बुद्धि राशि शुभ गुण सदन राम नाम को कल्प करो कलि कल्याण निवास जो सुमिरत भय भागते तुलसी तुलसी दास गौतम नारी साप बस उपल देह धरि धीर चरण कमल रज चाहती कृपा करहुं रघुबीर सुन जननी सोई सुत बड़ भागी जो पित मातु बचन अनुरागी तनय मातु पितु पोषण हारा दुर्लभ जननी यह संसारा उसकी बॉडी बॉडी कर डालेंगे। शाम शाम क्या बात है? मंदिर में से राम की मूर्ति चुरा कर भागा जा रहा है ये। मूर्ति मेरी है बाबा जी, पुजारी जी ने एक दिन मुझसे छीन ली थी, इसलिए आज मौका पाकर मैंने उठा ली। ये सरासर झूठ बोल रहा है ना हरिदास जी। राम की सेवन, मैं सच सच बताता हूँ, मैं राम राम बोलकर रोटी मांगा करता हूँ, एक दिन कहीं से कुछ भी नहीं मिला, भूख के मारे रोते रोते और राम राम बोलते बोलते आम के पेड़ के नीचे सो गए। फिर क्या हुआ बेटा? फिर जब मैं जागा तो देखा कि राम की यह मूर्ति मेरे हाथों में रखी हुई थी। किसने रखी, क्यों रखी, ये मुझे मालूम नहीं। किसने रखी, क्यों रखी, ये मुझे मालूम हो गया बेटा। एक अबोध और अनाथ बालक के हाथ से उसके रघुनाथ को छीन कर आपने बड़ा अन्याय किया है पुजारी जी। अरे आप भी इसकी बातों में आ गए? ऐसा पाजी पापी झूठा लड़का दुनिया भर में कहीं नहीं मिलेगा। बंदे तो आत्माराम तो स्वर्ग चले गए और अपने कपूत ठीकरे को छोड़ गए सोरो गांव के मथरे पर, और अभागा तो ऐसा है कि पैदा होते ही माँ बाप दोनों को खा गया। अरे मुर्हा है मुर्हा, छूत अछूत कुछ भी नहीं देखता गुसाई जी, ब्राह्मण होते हुए सातों जात के टुकड़े खाता फिरता है। रूखी सूखी दो रोटी अगर उसे अपनी जाति भाइयों से मिल जाती तो सातों जात की झूठन क्यों खाता? दोष तो आप ही लोगों का है। हमारा दोष? बिना नहाए मंदिर में घुसकर उसे भ्रष्ट नहीं कर दिया इस कुत्ते ने? ऊंच नीच सबको छूने वाले इस बेधर्मी को आप छाती से लगाए हुए हैं और ऊपर से ये कलंक लगा रहा है कि मैंने राम की मूर्ति छीन ली। धिक्कार है तुम्हारी इस राम भक्ति को, जहां पतित पावन राम को दृढ़नाथ पुकारने वाले अबूत बालक को पापी और कुत्ता समझा जाता। धिक्कार है तुम्हारे इस धर्म को, जहां मनुष्य के छूने से मनुष्य को पाप लग जाता। धिक्कार है तुम्हारे इस पाखंड को, जहां सबको बनाने वाला सबका भगवान केवल एक जाति का भगवान माना जाता है। चलो बेटा,
मेरे साथ चलो मेरे आश्रम में। अब तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं, तुम यही रहो। आओ। क्या ये आपका घर है? मेरा क्या, सब कुछ रघुनाथ जी का। रघुनाथ जी कौन, वे कहाँ हैं? कुछ दिन यही रहो, तुम्हें सब कुछ मालूम हो जाएगा। अरे रविदास, ओ रविदास। जी गुरु जी। देखो आज से ये बालक यही रहेगा। जो आ गया। जाओ उसके साथ। पर बाबा मैं यहाँ नहीं रहूंगा। क्यों बेटा? मैं जहाँ जाता हूँ वहाँ कुछ न कुछ बुरा हो जाता है, मैं बड़ा अभागा हूँ। भूलते हो बेटा, मनुष्य कभी अभागा नहीं होता, क्योंकि वो अपने हाथों से अपना भाग्य बनाने की शक्ति रखता है। तुम ब्राह्मण के बेटे हो, इस उम्र में भीख मांगने के बदले यहाँ रहकर विद्याभ्यास करो। रहोगे ना? जी। तो देखो उधर मैंने भगवान के लिए तुलसी का बाग लगा रखा है, रोज स्नान करने के बाद उसमें पानी दिया करो, इससे तुम्हारी बुद्धि का भी विकास होगा और तुम्हारे संस्कार भी शुद्ध होंगे। चलो। क्या नाम है तुम्हारा? कुछ भी नहीं, मेरा नाम किसी ने रखा है तब ना। तुम्हारा नाम भी नहीं? तब तो तुम अनामी हो। अनामी? अरे अनामी, अरे अनामी। अनामी? अनामी तो मैं नाम हूँ। हाँ भाई, जिसका नाम नहीं वो अनामी। अनामी, अरे वो अनामी, अरे वो अनामी। क्यों रे, नाम नहीं तो क्या तेरे कान भी नहीं? क्या है रे, किसे पुकार रहा है? किसी को नहीं गुरुजी, इसी को। तो क्या इसका नाम अनामी है? नाम कुछ हो तब ना, इसलिए तो अनामी कहना पड़ता है। क्यों बेटा, तेरा नामकरण भी नहीं हुआ? नहीं, पर कोई मुझे राम बोला कहता है। कोई राम? राम बोला भी कोई नाम है? राम से सुंदर संसार में और कौन? खैर, आज मैं ही तेरा नामकरण किए देता हूँ। तू रोज तुलसी की सेवा करता है ना, इसीलिए आज से तेरा नाम होगा तुलसीदास। क्या ठीक है ना? जी। आओ तुलसी। देखो बेटा, इधर मैंने ये पारिजात का छोटा सा पौधा लगाया है, जिसमें भी रोज पानी दे दिया करो। हाँ बहुत अच्छा। सब बसंत पंचमी के दिन मैं तेरा पट्टी पूजन कराऊंगा। लिखो श्री नारदो योगी परानुग्रह कांक्षया पर्यटन विविधान लोका मृत्यु लोकमुपागत। नाम
सार रसिको भगवान पुरारी तम रामचंद्र मनिषम विधि भावयामि। तुलसी बिरवा बाग है, क्या लिख रहे हो? कुछ नहीं, यही कविता लिख रहा हूँ। कविता? तुलसी बिरवा बाग के सींचत हूँ कुमला। अरे ये तो अपनी भाषा में है, बड़ी आसानी से समझ में आ जाती है। हेलो, अरे तुम दोनों क्या कर रहे हो? पश्चिम पश्चिम रवि दत्तम, तुलसी आसान भाषा में कविता में लिखता हूँ। मूर्ख कहीं का, तुलसी बिरवा बाग के सींच तहूं कुंभलाए, ये भी कोई कविता? संस्कृत पढ़ते हो और ऐसी गवारों की भाषा में कविता करते हो? शांतम पापम, शांतम पापम। इसमें ऐसा कौन सा पाप हो गया जो तुम शांतम पापम करने लगे? अरे ये तो हमारी बोलचाल की भाषा है, हम इसी भाषा में तो दिन रात बोलते हैं। परंतु ये पंडितों की भाषा नहीं, जंगलियों की भाषा है, असभ्यों की भाषा है। ये कविता नहीं, कूड़ा करकट। हाँ कूड़ा करकट। इस भाषा में कविता करने से वाणी भी अपवित्र होती है। ये क्या कर रहे हो रवि भैया? सावधान, मेरी कविता मुझे दे दो। कहे देता हूँ, ये देववाणी के महापंडित नर हरिदास जी का आश्रम है, जहाँ इस तरह की भाषा में कुछ लिखा गुरु जी से कह दूंगा। मैं यहाँ का प्रधान शिष्य हूँ और आश्रम की मर्यादा की रक्षा करना मेरा काम है। क्या है रविदत्त, क्या हुआ आश्रम की मर्यादा को? देखिए ना गुरु जी, तुलसी भाषा में कविता करता है। कविता? तुलसी बिरवा बाग के सींचत हूँ कुम्हलाय, राम भरोसे जे रहे पर्वत पर तैयार। ये तुमने लिखा है? जी, भूल हुई मुझसे, अब नहीं लिखूंगा। नहीं नहीं, इससे भूल किस बात की? ये तो बड़ा सुंदर प्रयत्न है। कविता तो ऐसी भाषा में होनी चाहिए जो हर कोई समझ सके। हाँ गुरुजी, मैं भी समझ गया। परंतु गुरुजी, ये गवारू भाषा तुम नहीं समझते। वो कविता ही क्या जिसमें प्रवाह न हो, जिसका अर्थ किसी की समझ में न आए। संस्कृत भाषा तो देववाणी है, सभी तो संस्कृत नहीं जानते। बेटा, तुम्हारी कविता में प्रवाह है, अगर इसी तरह लिखते रहे तो कुछ ही दिनों में महान कवि बन जाओ। आपकी कृपा। अच्छा तुलसी, सायंकाल हो गया, जल्दी से गंगा स्नान करते आओ और पूजा के लिए गंगा जल भी ले आओ। जो आज्ञा। प्रणाम कवि जी। प्रणाम कविता देवी, बड़ी अच्छी कविता कर लेते हो। अच्छी लगी तुमको? बड़ी अच्छी, बड़ी मीठी। मेरा नाम रत्ना है, रत्नावली। कितना सुंदर नाम है। और गांव? बदरिया, वो जो गंगा के उस पार है ना, वही। अच्छा, तब तो एकदम पास ही में। मैं भी यहाँ बाबा नर हरिदास के आश्रम में रहकर पढ़ता हूँ। सभी इतने ऊंचे कवि हो, पर इतने अच्छे चोर कैसे बने? चोर? चोर क्यों? क्योंकि अभी तक तुमने अपना नाम भी छिपा रखा है। ओ, मैं तो समझा मेरा नाम तुलसीदास है, अब तो चोर नहीं। घर के सबको मैं पहले देख लूंगी फिर कहूंगी, चोर का भरोसा ही क्या कहीं कुछ। अपने भैया को दूध देने चोरों के अखाड़े में रोज आती हूँ। अभी तक तो कभी कभी आया करती थी, लेकिन अब कल से रोज आना पड़ेगा। तब तो मुझे भी अपनी कविता के दर्शन करने यहाँ रोज आना पड़ेगा। नरहरिदास जी, ओ पाठक जी, जय रघुनाथ जी की, आइए। आज तो बहुत दिनों के बाद। क्या बताऊं, समय ही नहीं मिलता था। लड़की से आनी हो गई है, उसके लिए इधर उधर दौड़ना पड़ता है और यजमानों के यहाँ भी जाना पड़ता है। आज हरिपुर रामपुर का चक्कर लगाकर आ रहा था। आपके दर्शन भी बहुत दिनों से नहीं हुए,
छोटा मिलता चलूं, कुछ देर का सत्संग हो जाएगा। बड़ा अच्छा किया आपने, जब आ गए हैं तो रामकथा सुनकर ही जाइएगा। रामकथा का लोभ लेकर ही तो आया हूं। रामाय राम भद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। आज की कथा श्री रामचंद्र जी के पुष्प वाटिका में प्रवेश होने से आरंभ होती है। गुरु विश्वामित्र की आज्ञा लेकर जब राम लक्ष्मण दोनों भाई पुष्प वाटिका में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि सामने से राजा जनक की पुत्री देवी सीता अपनी सखियों के साथ गौरी पूजन के लिए आ रही थी। गौरी पूजन को चली जानकी सब सखियों को साथ लिए जो चाँद चले आरती को शिव की तारों की बारात लिए। कल की कथा में बड़ा रस आया। आपके शिष्य की मधुर वाणी गंगा की धारा की तरह बह रही थी। कौन है वो लड़का? तुलसीदास, योग मार्ग मोहल्ले वाले आत्माराम शुक्ल का लड़का। अच्छा, वो राम बोला? धन्य है गोसाई जी, आपने तो बच्ची को सोना बना दिया। मैं चाहता हूँ अपनी रत्ना का हार तुलसीदास के हाथ में सौंप दो। परंतु वो तो एक महान आत्मा है, उसके हाथों से एक बहुत बड़ा कल्याणकारी कार्य होने वाला है, उसे संसार के बंधन में बांधना ठीक नहीं पाठक जी। तो क्या गृहस्थी में रहकर मनुष्य महान नहीं बन सकता? जनक विदेह क्या संसारी नहीं थे? स्वयं श्री राम भी तो संसारी थे। संसार में रहते हुए भी कईयों ने लोक कल्याण के महान कार्य किए। लेकिन संसार में रहने से डगमगा कर गिर जाने का अंदेशा हमेशा बना रहता है। और ये भी तो संभव है कि वो संसार का अनुभव किए बिना अपने सही रास्ते से भटककर नीचे गिर पड़े। संसार का कल्याण करने के लिए संसार का अनुभव भी तो होना चाहिए। जैसी आपकी इच्छा, लेकिन अच्छी तरह सोच लीजिए, उसके घर बार सगा संबंधी कोई नहीं है। ना सही, आप तो हैं, और घर के लिए चिंता की कोई बात नहीं। यहाँ सौरों का मेरा मकान बेकार पड़ा है, जो दुकान है वो शंभू से चलाई ले जाती। मैं ये दोनों तुलसीदास को दहेज में दे दूंगा। अच्छी बात है। संजोग भी कैसा बन जाता है कभी कभी। आया तो था मैं रविदत्त के लिए, लेकिन जब से तुलसीदास को देखा है आगे ठहर गई है। बहुरानी आई। दादाजी, दादाजी तुम्हारे लिए वर ढूंढने गए थे, जाकर पूछती हूँ क्या हुआ। आज मेरे सर का बोझ हल्का हो गया बहुरानी। बड़ा अच्छा लड़का मिल गया है, सुंदर है, विद्वान है और कवि भी। तब तो जोड़ी बड़ी अच्छी रहेगी। किस गांव में तय हुआ है दादाजी? यहीं गंगा को उस पार जो सोरों गांव है उसी में। लड़का बाबा नरहरिदास के आश्रम में पढ़ता है। है तो अनाथ लेकिन बड़ा लायक है। मैंने सोचा है कि अपना सोरों वाला मकान और दुकान दोनों उसे दहेज में दे दूंगा। ये तो बड़ी अच्छी बात है। मैं चाहती हूँ मेरी ननद को दुख की हवा भी न लगे। मैं तुम्हारे हृदय को पहचानता हूँ बेटी। तुमने भाभी और माता दोनों का प्यार दिया है रत्ना को। लड़के का नाम क्या है? तुलसीदास। प्रणाम कविता देवी। प्रणाम कवि जी। आज तो कविता देवी के रंग ढंग कुछ अच्छे मालूम नहीं होते। यही ना, आज
बात ही कुछ ऐसी हो गई है, मैं अपने काबू में नहीं हूँ। यही तो मैं भी कहने जा रहा था, आज बड़ी उमंग में हूँ, क्या कोई नई कविता बना डाली? हाँ, मैंने भी तुम्हारे नाम पर एक नई कविता लिखी है, सुनोगी? सुनाओ। रतन अवली रतनावली, सब रतनों की खान, तुलसी ऐसो धन मिले तो सब धन धूल समान। किया बर राम चंद्र की जय। हल्लू आम के पेड़ को कोस नीचे न कह जाए और कौन फल खात है देखो रवि दत्त राय। क्या बकता है? तुम गारू भाषा में नहीं समझोगे, मैं संस्कृत में समझाता हूँ। पश्चिम पश्चिम रवि दत्तम तवा होने वाली दुल्हन रत्नावली तुलसीदास के साथ प्रेम करंतम। लेकिन ये रत्नावली है कौन और मेरी होने वाली दुल्हन कैसे हुई? रत्नावली के भाई शंभु पहलवान ने मुझे ये बात बताई। दीन बंधु पाठक किसी बात के लिए तो कल गुरुजी के पास आए थे। तो चलो शंभु के पास, यदि ये बात सत्य हुई तो मैं तुलसीदास को आश्रम से निकलवा के छोड़ूंगा। वाह, कितनी सुंदर कविता है, एक बार और सुना दो। बनी आंखें चकोर लगी चंदा की ओर, बनी जीवन की डोर कभी छूटे नहीं, कभी छूटे नहीं। आहा, बस अब तुम जीवन भर ये कविता सुनाती रहो और मैं सुनता रहूं। हाय राम, जीवन भर मेरा तो ब्याह होने जा रहा है। ब्याह किसके साथ? नाम तो मुझे मालूम नहीं, लेकिन लड़का है बड़ा अच्छा, मुझे जच गया है। तुम्हें जच गया है? हाँ, ऐसा कि कुछ पूछो मत, कई जन्म की तपस्या के बाद किसी को ऐसा पति मिलता है। ओह, तभी आज तुम वो कंगन लेकर आने का कारण। तो फिर तुमने मेरे हृदय को अपनी ओर खींचा ही और खींचा तो फिर दोस्त क्या खींचा तो टूट जाए, टूटे टुकड़े टुकड़े हो जाए। बोलो। हाय हाय, तुमने तो मेरा हाथ ही पकड़ लिया। मेरे होने वाले पति देव कहीं देख लेंगे तो मुझे घर में भी घुसने ना देंगे। क्यों बात क्यों लू, तेरा यह हौसला शंभु पहलवान की बहन से प्रेम करने चला है? भैया चुप कर, मैं मार मार कर इसका कचूमा बना दूंगा। शंभु भैया, पास बढ़ाने से आस पास के लोग देखेंगे, आप अपनी बहन को लेकर घर जाइए और मैं तुलसीदास के लिए अकेला ही बॉस, आज इसे आश्रम से बाहर न निकलवा दिया तो मेरा नाम रविदत्त नहीं। चलो गुरुजी, आप तो कहते हैं कि तुलसीदास बड़ा अच्छा है, लेकिन कुत्ते की पूंछ कभी सीधी नहीं होती। क्या हुआ, क्या बात है? गंगा के किनारे एक लड़की से प्रेम अलाप कर रहा था ये। किस लड़की के साथ? बकरिया गांव के तीन बंधु पाठक की लड़की से। ओ, उसके साथ तुलसी का विवाह होने जा रहा है। लेकिन उसका विवाह तो रवि भैया के साथ होने वाला है, खुद लड़की का भाई अपने मुंह से कह रहा था। हाँ हाँ, ये बात ठीक है, कल दीन बंधु पाठक आए भी इसीलिए थे, लेकिन तुलसी को देखकर उनका विचार बदल गया। मैंने भी उनके इस विचार को अच्छा समझा। आपने मेरे साथ अन्याय किया है गुरुदेव, कथा बांटने का अधिकार आपके पास मेरा है, उसे आपने तुलसीदास को सौंप दिया। उस दिन भाषा के झगड़े में भी आपने पक्षपात किया और गांव की गंवारू प्राकृत भाषा को उत्तम बताकर देववाणी संस्कृत का अपमान किया। तुम भूलते हो रविदत्त, मैं भी देववाणी का उतना ही सम्मान करता जितना एक पुत्र अपनी माता का। संस्कृत तो सब भाषाओं की माता, लेकिन इसका ये अर्थ नहीं कि हम मूल के लिए शाखाओं को ही काट डालें। अगर शाखाएं न रहेंगी तो फल फूल लगेंगे कहां। पर मैं इसे देववाणी का अपमान समझता हूं। मैं यहां अपना भाग्य बनाने आया था, परंतु आपने मेरे भाग को सड़े और गले पत्ते से ढकने का यत्न किया जो हवा के झोंके से यहां उड़ाया था। आपने सदा तुलसी के सामने मुझे मूर्खित करने का प्रयत्न किया है, परंतु मैं आज भी यही कहता हूं कि तुम मूर्ख हो। पर रविदत्त, वो विद्या है क्या जिसमें विनय रहो, जिस डाली में फल होते हैं वो सदा धरती की ओर झुकी रहती है और जिसमें फल नहीं होते वो मस्तक उठाकर आसमान की तरफ देखती है। मुझे स्वप्न में भी यह ख्याल था कि तुम्हें इतनी ईर्ष्या है, इतना अभिमान है,
मैं फिर कहता हूं तुम मूर्ख हो, तुम तुलसी के पैरों की धूल की भी बराबर नहीं कर सकते। मैं भी एक दिन ये सिद्ध कर दूंगा कि मैं विद्वान हूं और तुलसी तुलसी एक गंवार जंगली और रविदत्त। चले जाओ यहां से अभी इसी पल, मैं तुमसे बात भी करना नहीं चाहता। बहुत अच्छा, मैं अब अपना अध्ययन काशी में ही पूरा करूंगा, वहां संस्कृत का मान भी है और भाषा का पक्षपात भी नहीं है। रवि भैया तुम, मैं भी काशी चलता हूँ, यहाँ अपने राम कुछ पढ़ने वाले तो है नहीं, वहाँ जग्गू पहलवान की शागिर्दी भी कर लेंगे और फिर काशी की बंका तक कहना ही क्या। अच्छा चलो, खाल खेल तक मैं भूसा भर दूंगा। अरे अरे ये क्या कर रहे हो, क्या मार डालोगे मेरी नाम? नो डाल दो हाथ लगा तो, वरना इतनी जोर से उठाकर फेंकूंगा कि हड्डी पतली बारह कोट पर जा गिरेगी। क्या है रे तंबू, आज बहुत ज्यादा भंग पी लिए क्या? पिताजी भंग मैंने नहीं इसने पी है, गंगा किनारे बैठ कर एक लड़के से प्रेम की बातें कर रही थी। किस लड़के के साथ? नर हरिदास के आश्रम के एक विद्यार्थी तुलसीदास के साथ। मेरा सर तो नहीं फिर गया मूर्ख? अरे तुलसीदास जी के साथ तो मैंने इसका विवाह करने का निश्चय किया है। किंतु पिताजी रत्ना का विवाह तो रवि दत्त के साथ होने वाला था। हाँ, लेकिन अब तुलसीदास के साथ होगा। आपने तो मुझे कुछ नहीं बताया। बताऊं क्या अपना सर, तुझे तो पहलवानी ही से छुट्टी नहीं मिलती, कभी मेरे पास बैठकर गृहस्थी की तो बातें भी की है तूने। पिताजी बात यह है कि मुझे काशी के जग्गू पहलवान को बैठाना है, यही ना? देख कल से खाने जाना बंद कर दे कुछ दिन के लिए, इसी बसंत पंचमी को रत्ना का विवाह होगा तुलसीदास के साथ। कल्याणवर्तिता विनायक प्रयाण कल्याण अखंड सौभाग्यवती आज के दिन दोनों गृहस्थाश्रम में प्रवेश कर रहे हो, एक आदर्श युगल बनकर लोक मर्यादा का पालन करो, यही मेरा आशीर्वाद है। तुम दोनों को इस मंगलमय अवसर पर भरावे और क्या दे सकता हूं, तुलसी ये लो बचपन की तुम्हारी वही राम की मूर्ति। बेटा गृहस्थाश्रम का पालन करते करते भगवान श्री राम को भूलना नहीं कभी, श्री राम को मैं कभी नहीं भूल सकता गुरुदेव। रत्ना आती हूँ। क्या चाहिए? चंदन। ये रखा तो है। रत्ना रानी, अब क्या है? हार कहाँ है? ये फूलों के नीचे तो रखा है। क्या चावली, फिर किसने बुलाया? आरती का कपूर कहाँ है? जान बूझ कर बार बार बुला रहे हैं, सब चीजें यही तो रखी है। ये क्या पाप लगेगा, पूजा की माला है ये तो। पूजा ही तो कर रहा है। तुम तो एकदम पागल हो गए हो। अच्छा
अच्छा बुरा कुछ भी नहीं सोचते। राम का ध्यान लगा। लेकिन तुम्हारा ध्यान जो लगा रहता है, तुलसी के लिए तो राम और रत्ना दोनों बराबर है। दोनों के नाम में रकार तो है ही। मेरा मन ही न माने तुम्हारे बिना। सुनिए, कोई अच्छी सी बढ़िया चुनरी है झांकी की बनी हुई, ऊंचे से ऊंचे मलमल। मखमल भी झक मारे ऐसी बताता हूं। ये लीजिए, देखिए। वाह सुंदर, अगर बनाने वाला कारीगर सामने होता तो हाथ चूम लेता। सच में बड़ी अच्छी है, मानो नीले आकाश में सितारों का मेला लगा हुआ है। अरे अरे, कहाँ जा रहे? ये चुनरी अब बेचने की नहीं है। अरे वे, ये क्या कर रहे हो? अपने हाथों से अपनी रानी का श्रृंगार। ये श्रृंगार करने का वक्त है या दुकान चलाने का? किसी न किसी बहाने बार बार अंदर चले आते हो, एक पल भी नहीं रह सकते मेरे बिना। वाह जीजाजी वाह, क्या कहने हैं, किस धूमधाम से नाक कट रही है, किस मजे में दुकान की ऐसी की तैसी हो रही है, और तू भी दाल में नमक बन जाती है उनके साथ, कहती सुनती कुछ नहीं। मैं तो बहुत समझाती हूँ, लेकिन 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 मैं कुछ नहीं जानता। मेरी मूछ नीचे कर दी है तुम लोगों ने, आइंदा फिर कभी ऐसी ताज फिरादन की तो दुकान को खेर कर मकान के भीतर रख दूंगा। और हाँ, बदरिया कब चल रही है तू? कजरिया तीज बिल्कुल नजदीक आ गई है, पिताजी ने कहा है कि आज रत्ना को लेकर ही आना। आज ही? देखो जीजाजी, अल्लाह तल्ला पढ़ाकर कम से कम आप 100 बार मुझे लौटा चुके हैं, लेकिन अब 101 नहीं होगी, और इन दिनों पिताजी की तबीयत भी ठीक नहीं रहती। तो ले जाइए ना शंभू भैया, मैं 15-20 दिन में सारी तैयारी कर दूंगा। आज के 5वें दिन तो कजरिया तीज है, और आप तैयारी करेंगे 15-20 दिन में? जीजाजी, 5 और 15 की गिनती शंभू पहलवान को आती है। मैं कह देता हूँ, अगर 2-4 दिन के अंदर ही अंदर रत्ना बदरिया ना आई तो हमारा और आपका नाता खराब सकता। भैया ने ठीक ही तो कहा है, और मैं भी तो यही कहा करती हूँ। आज सारे गांव में अपनी बदनामी हो गई। बात हो जाने के बाद भी तुम दुकान पर जाने के बजाय घर के भीतर जा रहे हो। अब दुकान चलाने से क्या फायदा जबकि तुमको जाना है? अरे मैं कोई हमेशा के लिए थोड़े जा रही हूँ। क्या कभी कोई लड़की 10-5 रोज के लिए अपने माता पिता के घर नहीं जाती? लेकिन तुमसे अलग होने की बात तो मैं कभी सोच भी नहीं सकता रखना। अभी तक तो मैं जाने वाली नहीं थी, लेकिन अब तुम्हारा ये पागलपन देखकर मुझे जाना ही पड़ेगा। जब तक मैं तुम्हारे पास रहूंगी तुम कभी ठीक रास्ते पर नहीं आओगे। तो ये लो, मैं अभी ठीक रास्ते पर आ जाता हूँ, लेकिन तुम जाने का नाम ना लो। मैं अभी जाकर दुकान पर बैठता हूँ, तुम्हारी सौगंध। बस अजी सुनती हो? सुनती हूँ, कह डालो। बैठो। कैसा दिखता हूँ, जग रहा हूँ तुम्हें? मुझे क्या, काशी के जग्गू पहलवान को तो जंचोगे ही, मैं तो घर का कूड़ा करकट हूँ। छी 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 छी, भला ये कौन कह रहा है? अरे तुम तो घर की रानी हो, रानी। नहीं, जब तक काशी के जग्गू पहलवान को पछाड़ना लूं, तेरे साथ बहुत मीठी मीठी बातें करना ठीक नहीं। मैं चला। तो मैं कहा तुम्हारे गले पड़ती हूँ जी,
मैं तो कहती थी कि दादाजी की तबीयत ठीक नहीं है, कहीं तुम्हारी पीठ पीछे कुछ हो गया तो मैं अकेली क्या करूंगी। कुछ दिन के लिए अखाड़े जाना ही बंद कर दो। ये भला कैसे हो सकता है? पिताजी को मौका देखकर बीमार होना चाहिए था। अगर दंगल के बाद बीमार होते तो पलंग से पांव बांधकर वो सेवा करता, वो सेवा करता कि तबीयत खुश हो जाती। बेटा शंभू आया। पिताजी बेटा, उस दिन तो तुम रत्ना को लाए नहीं, लेकिन आज जरूर लेते आना। मरने से पहले मैं उसे एक बार देख लेना चाहता हूँ। पिताजी मैं तो अभी इसी दम जाकर ले आता हूँ, लेकिन बाद में फिर आप ही कहेंगे कि तूने वहां जाकर लड़ाई झगड़ा क्यों किया। ना ना बेटा, लड़ाई झगड़ा करके लाना ठीक नहीं। अब तो ससुराली रत्ना का अपना घर है, किसी तरह समझा बुझा कर राजी खुशी के साथ ले आना। राजी खुशी की बात तो जीजाजी की समझ में नहीं आ सकती, और रत्ना भी आना नहीं चाहती। बस आज जाकर मैं एक बार दो टुक कर देता हूँ, अगर आज रत्ना नहीं आई तो बाप का घर उसके लिए हमेशा बंद। ना ना बेटा, ऐसा ना करना। ये लीजिए पैसे, दुकान का सामान लेकर जल्दी लौट आना, अंधेरा होते ही मेरे दिल घबराने लगेगा। हाँ हाँ अच्छा। जरा पानी देना, थककर चूर हो गया। अभी गए और अभी लौट आए? तुम्हीं ने तो कहा था जल्दी आना, इससे जल्दी और क्या हो सकती थी। लेकिन मैंने तो दुकान का सामान लेकर जल्दी आने को कहा था। सामान कल ले आऊंगा। कल कल तो रोज करते रहते हो। सच पूछो रत्ना, तो आज मेरा जाने को जी ही नहीं चाहता। लेकिन माल के बिना दुकान कैसे चलेगी? न चले तो न सही, तो घर का गुजारा कैसे होगा? हरी कथा कर लेंगे। तुम्हें प्रेम कथा से फुर्सत कहाँ है जो हरी कथा कर लोगे? मैं तो हार गई समझा समझा कर। अच्छा अच्छा, तुम नाराज होती हो तो मैं जाता हूँ। लेकिन शहर है बड़ी दूर, कल जाता तो कितना। हाँ भाई, निकालो इनके लिए ढाके की मलमल दो 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 थान। चार थान लाइए यादि, मैं ही पढ़ लूंगा। बिल्कुल नए नमूने के कंगन है ये। ना देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूं। अरे कहां हो तुम, जवाब क्यों नहीं देती? अरे कहां चली गई रत्ना? जनक बुलाई माई के जाऊं गंगा पार, अब गुण चित धरियो नहीं दिन में बारंबार। लेकिन तुम्हारा ये पागलपन देखकर मुझे जाना ही पड़ेगा। तुम्हारे पास नहीं, तुम कभी ठीक रास्ते पर नहीं आ। नहीं ऐसा कभी नहीं हो सकता, मैं तुम्हारे बिना एक पल भी नहीं जी सकता रहती। मैं आता हूँ। आ
भूलकर मैं रुक भी कैसे सकती थी पिताजी। सच पूछो बेटी, तो मैं तुम्हें बुलाने वाला नहीं था, लेकिन क्या करूं, भगवान ने माँ बाप के दिल में कुछ ऐसी ममता रखती है जो दबाने से और भी ज्यादा उबरती है। वो देखने के लिए आंखें तरस रही थी, सो देख लिया। अब मैं सुख और संतोष के साथ मर सकूंगा बेटी। नहीं ऐसा नहीं कहते पिताजी। अरे चोर 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 पकड़ो पकड़ो। चलो भाई चलो 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 कमाल कर दिया, कमाल किया है आपने। वाह भाई वाह, देरी में रस्सी सांप बन जाती है ये तो सुना था, लेकिन सांप रस्सी बन जाता है ये तो आज ही मालूम हुआ। बहुत खूब बहुत खूब, वाह जीजा जी वाह, दो तक मेरी मुस्लिमी हो गई। खराब हो गए तूफान, आधी और तूफान में पाठक जी का जवाई आया है क्यों? आई साल जवाने का तूफान होता ही है। अरे तू क्या जाने आज तक के बिना ये घड़ी भी तो पड़ जा, आते समय बुला के आई होगी, आग लग जाए थी जवाने को। अब यहाँ क्यों खड़ी हो तुम दोनों? जब हसाई होनी थी तो हो गई, जाओ अपने अपने अगर महल में। रत्ना, रत्ना में आ गया। रत्ना तुम बोलती क्यों नहीं? कुछ तो बोलो। बोलूं क्या, बोलने के लायक तुमने मेरा मुंह रखा ही नहीं। मैं पूछती हूँ रातों रात भाग कर यहाँ आने की क्या जरूरत थी, और आए थी तो चोरों की तरह क्यों आए? लेकिन मैं और करता भी क्या, दरवाजा तो बंद था। तो साकल बजाकर खुलवा नहीं सकते थे, वापस लौट कर घर नहीं जा सकते थे? गाँव के लोगों ने क्या क्या कहा कुछ मालूम भी है तुम्हें? अब मैं पिताजी को क्या मुंह दिखाऊंगी? लेकिन मुझे क्या मालूम था कि
जिन्माने से इतना बड़ा कांड खड़ा हो जाए। जब तुम जानती हो मैं तुम्हारे बिना एक पल भी नहीं रह सकता, तो फिर तुम यहाँ क्यों चली आई? क्यों? और मैं कर भी क्या सकती हूँ? पिताजी की बीमारी, भैया का आग्रह, लोग लाज का डर, सबने मिलकर मुझे खसीट लिया। तुमने एक लड़की की मजबूरियों को भी नहीं देखा। तुम्हारे प्रेम ने मुझे अंधा बना दिया था, मुझसे फूट हो गई। पुरुष अपने स्वार्थ के लिए हमेशा ऐसे भूले किया करता है। रत्ना, मेरे प्रेम में अगर स्वार्थ होता तो मैं बादल, बिजली और तूफान से लड़कर यहाँ आता ही क्यों? इसलिए कि तुम्हारे हृदय में वासना का तूफान उठ रहा था। मैं हाहाकार करके गंगा की लहरों में कूद पड़ा, वहां से भी खेल गया रत्ना तुम्हारे प्रेम से। इसलिए तुम्हें रत्ना की बाहों में खेलना था। रत्ना, अपनी वासना को अपना प्रेम कहते हुए तुम्हें लज्जा नहीं आती? रत्ना, पढ़े लिखे होकर तुमने ये भी नहीं सोचा घर में ऐसी बात का होना एक लड़की के लिए कितनी लज्जा की बात है। जब सखियां मुझे ताने मारेंगी तो मैं उन्हें क्या जवाब दूंगी? हे भगवान, ऐसे जीने से तुम मर जाने। एक बार मुझे और माफ कर दो रखना, फिर कभी नहीं करूंगा ऐसी बड़ी भूल। इससे बड़ी भूल और क्या हो सकती है? तुमने सांप और रस्सी के भेद को भी नहीं समझा। मांस की बनी हुई मेरी काया से इतना मोह, हड्डी के सांचे से इतना प्रेम। जितना प्रेम तुमने मेरे नाचवान शरीर से किया, उतना प्रेम अगर तुम राम से करते तो बेड़ा पार हो जाता। बड़ी पुरात क्या हो सकती है? तुमने सांप और रस्सी के भेद को भी नहीं समझा। मांस की बनी हुई मेरी काया से इतना मोह, हड्डी के छाजे से इतना प्रेम। जितना प्रेम तुमने मेरे नाचवान शरीर से किया, उतना प्रेम अगर राम से करते तो मेरा पार हो जाता। मांस की बनी हुई मेरी काया से इतना मोह, हड्डी के छाजे से इतना प्रेम। इतना प्रेम अगर राम से करते तो बेड़ा पार हो जाता। इतना प्रेम अगर राम से करते तो बेड़ा पार हो जाता। इतना प्रेम अगर राम से करते तो बेड़ा पार हो जाता। वासनामय प्रेम की अंतिम भेंट तुलसी जगधन धाम तजे, सजपत्नी को प्रेम चले वीरानी देश ले, राम नाम को नहीं। जगमग जग में जगमग मेरे पांव संभालो, गिरने दो तो चरण बढ़ा दो, गिर जाऊं तो तुम्हें उठालो। मुझे अपनी शरण में ले लो राम, ले लो राम, मुझे अपनी शरण में ले लो राम, मुझे अपनी शरण में ले लो राम, ले लो राम, मुझे अपनी शरण में ले लो राम। लोचन मन में जगे न हो तो, लोचन मन में जगे न हो तो, जुगल चरण में ले लो राम, ले लो राम, मुझे अपनी शरण में ले लो राम। जीवन देके
छाया रच के माया नाच नचाया चिंता मेरी कभी मिटेगी चिंता मेरी कभी मिटेगी जब तू तन में ले लो राम मुझे अपनी शरण में ले लो राम तुमने लाखों पापी तारे मेरी बारी बाजी हारे तुमने लाखों पापी तारे मेरी बारी बाजी हारे मेरे पास न पुण्य की पूंजी मेरे पास न पुण्य की पूंजी बद पूजन में ले लो राम मुझे अपनी शरण में ले लो राम हे राम राम हे राम घर घर अटकू दर दर भटकू कहाँ कहाँ अपना सर पटकू इस जीवन में मिलो न तुम तो राम हे राम इस जीवन में मिलो न तुम तो मुझे मरण में ले लो राम मुझे अपनी शरण में ले लो राम मुझे अपनी शरण में ले लो राम मुझे अपनी शरण में ले लो राम राम कहो मेरे राम 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 चाहते हो बोलते क्यों नहीं किस कामना को लेकर यहां भूखे प्यासे पड़े हो इस वासना में संसार मेरी एक ही कामना है मुझे श्री राम के दर्शन चाहिए मेरे राम मैं तुम्हें राम के दर्शन का रास्ता बता सकता हूँ राम के दर्शन कौन हो तुम दिखाई क्यों नहीं देते मैं प्रेत हूँ बहुत अरसे से इस पेड़ पर रहता हूँ मरते समय मेरी एक इच्छा रह गई थी वो क्या मुझे गंगा जल नहीं मिला यहाँ काशी में भी इस पेड़ में किसी ने गंगा जल नहीं डाला अगर तुम मुझे गंगा जल पिला दो तो मैं तुम्हारा काम कर दूंगा अवश्य अवश्य पिलाऊंगा आज मेरा उद्धार हो गया तुमने मुझे गंगा जल पिलाया और 9 दिन तक राम नाम का जाप भी सुनाया मनुष्य को मरते समय और क्या चाहिए राम का नाम और गंगा जल
दोनों ही तुम्हें मिल गए। अब मुझे राम दर्शन का रास्ता बता दो। जहाँ राम की कथा होती है वहाँ हनुमान जी कथा सुनने आते हैं, वही तुम्हें राम के दर्शन करा सकते हैं। लेकिन मैं हनुमान जी को पहचानूंगा कैसे? एक बूढ़े और कोढ़ी ब्राह्मण के रूप में हनुमान जी वहाँ सबसे पहले आते हैं और सबसे पीछे जाते हैं। धन्यवाद। महर्षि वाल्मीकि ने कविता की सीढ़ी पर सविता को धरती पर उतार दिया। हरे हरे, आप श्लोक का अर्थ श्रवण करो सज्जनों। जब दशरथ नंदन श्री राम ने अपनी वानर वाहिनी लेकर वारिज के तट पर प्रयाण किया तो विशाल भूधरों का भार धारण करने वाली वसुंधरा भी बार बार प्रकंपित होने लगी, डगमग डगमग डगमगाने लगी। वानरों के बृहदाकार लांगूर व्योम को स्पर्श करती हुई उनकी विशाल देह दोनों संयुक्त होकर मेघ की घटा में दामिनी की छटा व्यक्त कर रहे थे। मायापति को अपने निकट आवत जाने अखंड गति से चलने वाली रत्नाकर की प्रचंड लहरों पर नाना प्रकार के विकट जलचर प्रकट हो रहे थे। आनंद कंद कौशल चंद रघुनंद राम की रूप छटा निहार धन्य धन्य हो रहे थे। सुरगण सुमन वृक्ष कर रहे थे। मेरी विनती है कि कथा बोलचाल की भाषा में सुनाई जाए ताकि सब लोग समझ सके। रवि भैया, रवि भैया मालूम नहीं का पूर्ण नामम है? श्री रवि दत्त शर्मा विद्या वाचस्पति। सावधान, यदि आपने नाम लिया तो। कौन हो तुम? तुलसीदास। तुलसीदास, तुम यहाँ? देववाणी संस्कृत की नगरी काशी में तुम जैसे भाषा के टुकड़ों का क्या काम? क्या भाषा, क्या संस्कृत, प्रेम चाहिए सच्चा। जिस राम कथा में भक्तों को रस में मिलेगा उससे भगवान राम से कैसे प्रसन्न होंगे? कौन कहता है कि संस्कृत भाषा में भगवान की कथा भक्तों को अच्छी नहीं लगती? अच्छी लगती तो लोग उठकर यहाँ से चले क्यों जाते? इसीलिए कि वो सब नास्तिक हो गए। ये कलयुग है कलयुग। क्यों टोडरमल जी, अब आप शांत हो जाइए और कथा को आगे बढ़ाइए। लेकिन आगे बढ़ाए भी तो कैसे राजा साहब, इन्हें गिने तीन ही तो आदमी रह गए। एक आप, एक ही रोज आने वाला वृद्ध ब्राह्मण, तीसरा ये गलारू भाषा का तुगबन। फिर क्यों खालो खा शास्त्री जी के गले को कष्ट दिया जा। चलिए ठीक कहते हो। अगर कथा आसान भाषा में हो तो जनसाधारण भी समझ सकते हैं। सुना है तुम भाषा के कवि हो, तुम्हें सरल भाषा में रामायण की रचना क्यों नहीं करते? अवश्य करूंगा, यदि आप मुझे राम के दर्शन करा दे तो। मैं तुम्हें राम के दर्शन करा दूं? हाँ, जिनके रोम रोम में राम बसे हैं वही राम भक्त हनुमान मुझे राम के दर्शन करा सकते हैं। मैं और हनुमान? हाँ प्रभु, अब अपने असली रूप को मुझसे न छिपाइए। आपके चरणों को पाकर भी क्या मुझे निराश होना पड़ेगा? तुलसीदास, प्रभु पवन दूत, राम दूत, तुम्हें राम के दर्शन होंगे। चित्रकूट के घाट पर तुम्हें राम के दर्शन अवश्य होंगे। श्री राम, श्री राम, श्री राम, श्री राम, श्री राम।
बाबा थोड़ा सा चंदन हमें भी दोगे? खैरो थोड़ा और क्या। श्री राम श्री राम। लो चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुबीर। प्रभु मेरे राम। अरे अरे ये क्या, छोड़ो भीम बंधु, अब नहीं छोड़ूंगा। बड़ी मुश्किल से पकड़ पाया हूं इस भवसागर की पत्थर को। मेरे प्रभु तेरे राम। चले गए प्रभु, आज मुझे अपने राम के दर्शन हो गए। मेरी आंखों की प्यास बुझ गई। प्रभु इस अयोध्या नगरी की धूल जो आपके चरण कमल से पवित्र हो चुकी है, उसे अपने मस्तक पर चढ़ाकर मैं धन्य हो गया। मेरे राम आपका चरित्र अपरंपार समुद्र है। मैं अपनी अल्प बुद्धि की छोटी सी नाव से उसे पार करने का साहस कर रहा हूं। मुझे शक्ति दीजिए। सिद्धि हो जन नायक करी वर वदन, करो अनुग्रह सोई बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। राम नाम को कल्प करो कली कल्याण निवास, जो सुमिरत भय भागते तुलसी तुलसी दास। गौतम नारी बस उपल देह धरी धीर, चरण कमल रज चाहती कृपा करहुं रघुबीर। सुन जननी सोई सुत बड़ भागी, जो पित मातु बचन अनुरागी, तनय मातु पितु पोषण हारा, दुर्लभ जननी यह संसारा। श्याम गौर सुंदर दो भाई,
परी चरण लपटाई प्रेम मगन मुख बचन न आवा पुनि पुनि पद सरोज सिर नावा पाछे पवन तन सिर नावा जानी काज प्रभु निकट बुलावा पर साशीस सरो रोह पानी कर मुद्रिका दीन जन जानी सीता मन विचार करना ना मधुर बचन बोले हनुमाना यह मुद्रिका मातु मैं आनी दीन राम तुम कहाँ सही दानी अर्ध रात भई कभी नहीं आवा राम उठाई अनुज उर लावा जय हो अवध कवन मुख लाई नारी है तू प्रिय बंधु गवाई आए भरत संग सब लोगा कृष्णु श्री रघुवीर वियोगा परे भूमि नहीं उठत उठाए बल कर कृपा सिंधु उर लाए राम राज बैठे त्रयलोका हर्षित भयो गयो सब सोका नहीं दरिद्र को दुखी न दीना नहीं को अबुद न लक्षण हीना क्यों गोपी रविदत्त शास्त्री से विद्वान की पत्नी होकर तुम भी तुलसीदास की गंवारी टोली में जा मिली तुलसीदास जी की एक एक चौपाई पर एक एक राज लुटा दिया जाए तो भी थोड़ा है यही तो आजकल दिन भर मेरी टीका टिप्पणियां होती रहती जब देखो तुलसीदास की रामायण तुलसीदास की चौपाइयां सब कुछ तुलसीदास का मैं तो जैसे मर गया आप नहीं मरे देववाणी के सभी पंडित देव मौत मर गए मृतम 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 दुर्गा पाठन और मृत्युंजय मंत्रम करके जो सीधा सामान ले आते थे वो भी बंधम बंधम अब तो जहाँ देखो वहाँ घर घर में तुलसीदास के रामायण की कथा हो रही है अकेली बिचारी गोपी भाभी को गर्मा गर्म जलेबी क्यों बना रहे हो क्या बताए जब केवल सुनने से ही लोगों को तुलसीदास की रामायण की चौपाई याद हो जाती जब उसकी पुस्तक बनकर घर घर में पहुंचेगी तो उसके प्रचार को रोकना कठिन हो जाएगा उसके लिए मैंने सोच ली है मैंने सुना है रामायण की एक ही प्रति है तुलसीदास के पास उस पर अधिकार कर लेना चाहिए तुम आज ही आधी रात को तुम।
अरे बाप रे, मर गए, भागो भागो यहां से। मैं भी कितना ये तो तय मैं तय अब फिर आगे बढ़ता हूं, देखा जाएगा। चाहे न करें, लेकिन मैं कहता हूँ वहाँ पर राम लक्ष्मण और हनुमान जी पैरा देते हैं। ऐसा कौन सा वाल्मीकि का अवतार हो गया है तुलसीदास जो राम लक्ष्मण और हनुमान उसके यहाँ पहरा देंगे? मूर्खराज कहीं का। शास्त्री जी, शास्त्री जी, क्या है बटेश्वर? राजा टोडरमल के पुत्र का स्वर्गवास हो गया और उसकी पत्नी सती होने जा रही है। परंतु आप तो उसे बचाने के लिए 3 महीने से मृत्युंजय का जाप कर रहे थे, कम से कम उस भले आदमी को दक्षिणा तो दिलवा के मरना था। दक्षिणा को क्या रोता है, अब तो राजा जी के यहाँ से सीधे भी मिलना बंद हो जाएंगे। लांग औछा दे, शमशान यात्रा में तो जाना ही होगा। महाराज, ये आपने क्या आशीर्वाद दिया? तो और क्या देता मैया, और क्या देता? देखते नहीं, बेचारी अपने मरे हुए पति के साथ सती होने जा रही और तुम उसका मजाक उड़ा रहे हो। मुझे क्या पता था भैया, मुझसे तो जैसा रघुनाथ जी ने कहलाया वैसा कह दिया। रघुनाथ जी ने कहलाया तो अपने रघुनाथ जी से कहो ना कि टोडरमल जी के पुत्र को जीवित कर दें। राम का वचन तो कभी असत्य नहीं होता। तो आज भी असत्य नहीं होगा, तुलसी के राम अपने नाम की लाज अवश्य रखेंगे। कहाँ छुपे हो राजा राम, राजा राम दीपक बुझा जला जा राम। कहाँ छुपे हो राजा राम दीपक बुझा जला जा राम। नर नारी से है संसार, एक बिना दूजा बेकार। नर नारी से है संसार, एक बिना दूजा बेकार। पति उस पार सती इस पार, कैसे पार करे मझदार।
सती उस पार सतीस पार कैसे पार करे मझदार छोटा साथ मिला जा राम दीपक बुझा जला जा राम कहाँ तो हो राजा राम दीपक बुझा जला जा राम रोको इन्हें नहीं जाने दो अपने घर को फिर आने दो रोको इन्हें नहीं जाने दो अपने घर को फिर आने दो दो दिन तो तुम इकलाने दो तेरी दया पर इकराने दो दो दिन तो तुम इकलाने दो तेरी दया पर इकराने दो मेरा वचन निभा जा राम दीपक बुझा जला जा राम कहाँ छुपे हो राजा राम दीपक बुझा जला जा राम राम राजा राम 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 जय जय राम राम जय राम जय जय राम जय राम जय राम राजा राम जय राम जय राम जय राम जय राम जय जय राम 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 पुराणों में जो भगवान का चमत्कार पड़ा उसे आज साक्षात देख लिया। धन्य हो तुलसीदास, धन्य हो तुम्हारी राम भक्ति, धन्य हो तुम्हारी शक्ति। चुप रहो लो। क्यों चुप रहो? वो दिन चले गए रवि दत्तम, तब तुम्हारी लाल लाल आंखें देखकर मैं पीला पड़ जाता था। तुम मेरा अपमान कर रहे हो और देववाणी का अनादर करने वाले उस तुक्कल के पीछे तुम भी पागल हो गए। देववाणी का नामन लेने से पहले अपने दिल में बैठे हुए घमंड और पाखंड को देखो। उस दिन भी तुमने राम लक्ष्मण के पैरा देने की बात को हवा में उड़ा दिया। अब मैं तुम्हारे साथ रहकर अपने लोग परलोग दोनों बर्बाद नहीं करूंगा। मैं जाता हूँ उस महापुरुष के पास, भक्त शिरोमणि तुलसीदास के पास। तुलसीदास जी, तुम मुझे माफ कर दो, मैं तेरा चाहती हूँ। अरे अरे हल्दर, तुम तो मेरे गुरु भाई हो, मेरे बचपन के साथी हो। साथी रविदत्त के पंजे में फंसकर मैंने आपके साथ बड़ा अन्याय किया है। संसार का सारा जीवन व्यापार भगवान की इच्छा अनुसार होता है। रविदत्त भैया तो निमित्त मात्र हैं। तुलसीदास जी, तुलसीदास जी हैं? कौन? शंभू भैया। हेलो शंभू भैया, आइए आइए, तुलसीदास जी अंदर है। जीजा जी। हाँ हाँ शंभू भैया, आपकी तारीफ सुनकर मैं प्रयास से यहाँ आया हूँ। लेकिन ये क्या जोगी वेश बना रखा? मैं आपके लिए जोगी बना हूँ। अब तो ये वेश तभी उतरेगा जब आप मेरे साथ सौरव चलेंगे। लेकिन ये कैसे हो सकता है शंभू भैया? उतारी हुई कैंचुली में तो सांप भी कभी वापस नहीं जाता। तो फिर मैं तो मनुष्य हूँ, एक बार जिस जीवन को छोड़ चुका हूँ
उसे फिर से स्वीकार करना मूर्खता नहीं तो और क्या है। मैं पूछता हूँ, क्या अपने घर में कोई लड़ता झगड़ता नहीं? मेरी बहन ने ऐसी कौन सी लाठी मार दी है जो आप जिंदगी भर के लिए बैर लेकर बैठ गए हैं? बैर नहीं, प्रेम। हम तो चखा प्रेम रस पत्नी के उपदेश। रत्ना तो मुझे राम से मिलाने वाली मेरी गुरु है। वाह वाह, ये भी अच्छी कही। अच्छा चेला मिला है रत्ना को, जो आज बड़ा बनकर अपने ही गुरु का गला काट रहा है। तुम्हें बिना किसी संकोच के सच्चे हृदय से कहता हूँ, रत्ना के प्रेम के सिंहासन पर ही मेरे हृदय में राम का आसन लगा हुआ है, और जिस दिन राम उठकर चले जाएंगे उस दिन रत्ना को उस पर बिठा देने में मैं आगा पीछा नहीं सोचूंगा। शंभू भैया, मैं तो सोनो जा नहीं सकता। सोनो आप चले जाइए, इस तरह भटकना ठीक नहीं, और मेरा भी सोनो में एक काम है। रामायण की दूसरी प्रति तैयार हो गई है। हल्दर भैया, तुम ही सौरम चले जाओ, इसे गुरुदेव को समर्पित करने की मेरी बड़ी अभिलाषा है। क्या तुम भला ये भी कोई पूछने की बात है? तुलसीदास की रामायण का समर्पण हो जाएगा और हल्लू की आंखों को गुरुदेव के दर्शन भी हो जाएंगे। एक पन और दो कांच। कितना सुंदर और कितना विराट लिखा है तुलसीदास ने, कितना सरल और कितना गूढ़ लिखा है तुलसीदास ने। जगत और जीवन का सारा तत्व उसने भर दिया है, जो जिस रूप में चाहे उस रूप में ले ले। और गुरुदेव क्या प्रभाव है उनका? रविदत्त की सब चाला की हवा खाने चली गई। राम लक्ष्मण और हनुमान जी को तो मैंने अपनी आंखों से तुलसीदास की कुटिया की पहरेदारी करते हुए देखा, और उस दिन तो कमाल हो गया कमाल, जबकि उन्होंने राजा टोडरमल के मरे हुए पुत्र को जीवित कर दिया। हाँ, मरे हुए पुत्र को जीवित कर दिया। रामचरितमानस जैसे महाग्रंथ की रचना करने वाला महात्मा सब कुछ कर सकता है। तुलसीदास जैसा शिष्य पाकर अब मैं धन्य हो गया। सपने सत्य हो गए सब मेरे, सब सपने टूट गए मेरे, जो अपनी रत्ना के बिना एक पल भी अकेले नहीं रह सकते थे, जो अपनी रानी से मिलने के लिए तूफान पर चढ़ी हुई गंगा में कूद पड़े थे, वो आज जिसने राम का रूप देख लिया वो भला संसारी रूप में आ सकता है कभी? हल्दर भैया ने जो कुछ बताया उसे सुनकर मुझे तो विश्वास नहीं रहा कि अब नंदोई जी लौटेंगे कभी। अब तो एक ही उपाय है कि हम काशी चलें। हम दोनों के जीवन धन काशी में ही रहते हैं, तो क्या हमारे काशी जाने से वे लोग लौट आएंगे? भाभी ना लौटेंगे तो हम दोनों को लौटा भी नहीं सकेंगे। अब बदरिया में रखा ही क्या है, जहाँ पति वही स्त्री की गति। धीरज धर्म मित्र अरुणारी, आपति काल पर रखिए चारी, बर भल बास मदद करता ता, दुष्ट संग जन दे विदाता, कर्म प्रधान विश्व रचिराखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। पाखंडी कमार कहीं का, तू भी अपने कर्म का फल चख ले। अरे अरे अरे, ये क्या कर रहे हो? हाँ हाँ भैया रविदत्त, ये क्या कर रहे हो आप? करिए, मैं अभी इसे आटा डाल का भाव बताता हूँ। यहाँ भी पूछना आपका पीछा नहीं छोड़ता हूँ भैया। छोड़ दो इसे। छोड़ दिया। राम कथा में बाधा डालना बड़ा भारी पाप है शास्त्री जी। ऐसे महापंडितों से तो पाप भी दूर भागता है। चुप रहे, दिन भर काम काज छोड़कर यहाँ वहाँ रामायण की कथा न हुई नौटंकी हो गई। राजा जी, जब तक काशी के पंडित इसे स्वीकार न कर लें, हम तुलसीदास की कमारू भाषा में लिखी हुई रामायण का प्रचार न होने देंगे। संस्कृत के सिवाय और किसी भाषा में भगवान का चरित लिखना शास्त्र विरुद्ध। संस्कृत जैसी महान भाषा के अपमान करने की बात मैं सोच भी नहीं सकता। मैंने तो लोक कल्याण के लिए
सब लोग समझ सकें, इसीलिए सरल भाषा में रामायण लिखी है। लोक कल्याण के लिए नहीं, अपने कल्याण के लिए कहो। अपना पेट भरने के लिए तुम भोली भाली जनता का धर्म नष्ट कर रहे हो। या तो अपनी रामायण पर पंडितों की सम्मति प्राप्त करो या काशी छोड़कर चले जाओ। जहां देखो वहां, जहां सुनो वहां, बस तुलसीदास तुलसीदास तुलसीदास। तो क्या भगवान शंकर के न्याय कर देने के बाद भी तुम अन्याय का रास्ता छोड़ना नहीं चाहते? लोकलाज का भी कुछ ध्यान नहीं, भगवान का भी कुछ डर नहीं? गोपी, हर समय ऐसी बातें करके तुम मेरा अपमान करती हो। अपमान नहीं, सम्मान करती हूँ। गलत रास्ते पर जाने वाले पति को सही रास्ते पर लाना पत्नी का धर्म है। धर्म कर्म का मंत्र मैं अपने गुरु से ले चुका हूँ। तभी तो बड़े ठाट बार से अपने गुरु का नाम ऊंचा कर रहे हो। गोपी, आज मैं तुम्हें अंतिम बात चेतावनी दे रही हूँ कि तुलसीदास का बुरा मत सोचो, नहीं तो। नहीं तो क्या होगा? वही जो भक्त अमरीश का बुरा चाहने से दुर्वासा का हुआ था। भक्त के बैरी को भगवान अपना बैरी समझते हैं, और तुलसीदास तो भगवान के अनन्य भक्त है। तुलसीदास की भक्ति मेरी आंखों से। तुलसीदास कमारू भाषा का तुक्का, लेकिन मैं भी रविदत्त कैसा जो प्यास समेत न चुका लूं। तुलसिया संसार में भांति भांति के लोग सबसे हिल मिल चालियो, नदी नाव संजोग। तुलसी हाय गरीब की कब हुन खाली जाए, मुए ढोर के चाम से लोह भस्म हो जाए। दया धर्म को मूल है, पाप मूल अभिमान, तुलसी दया न छोड़िए जब लग। अरे दो, तुलसीदास की कुटिया में आग लग गई। अरे Hey!
बचाओ बचाओ, अरे मेरे पीछे आग लगी है, अरे रोको इसे, कोई बाबा मैं चल जाऊंगा, मेरे पीछे आग लगी है, अरे रोको रोको, आग आग, बचाओ मुझे बचाओ, गोपी मुझे बचाओ बचाओ, मुझे मैं आग से चल जाऊंगा, आग आग, अरे मेरे पीछे आग आग, गोपी आग, गोपी मुझे बचाओ, अरे मैं मर गया गोपी, अरे मैंने तुम देखा कि तुमको मैं आग लगा दी थी, वही मैं नहीं जोता है कभी, मुझे क्षमा कर दो, मैं वैसा पाप कभी नहीं करूंगा, कभी नहीं करूंगा कभी। तुम्हें क्षमा करने की शक्ति मुझ में नहीं है, अगर सच्चे मन से क्षमा चाहते हो तो चलो महात्मा तुलसीदास जी के शरण में, वही तुम अभय दान दे सकते हो। तुम मुझे ले चलो उनके पास, ले चलो मुझे कभी। क्षमा कर दो, क्षमा कर दो मुझ पापी को तुलसीदास जी। अरे अरे भैया रविदत्त, ये क्या कर रहे हो? आपके स्पर्श से मेरा ज्ञान और अभिमान दूर हो गया, और मेरे पापों का प्रायश्चित किसी रूप में हो सकता है कि आप जीवन भर मेरे घर में रहें और मुझे सेवा करने का सौभाग्य प्रदान करें। सेवा का यही वरदान तो मैं भी इनसे मांगने आई हूँ रवि भैया, इतनी देर से रो रो कर विनती कर रही हूँ, लेकिन मेरे रोम रोम पर तो राम का अधिकार हो चुका है रत्नावली, फिर मैं सोरों कैसे लौट सकता हूँ? तो मैं कब ऐसा कहती हूँ कि आप सोरों लौट चले? मेरी तो इतनी ही प्रार्थना है कि आप मुझे भी अपने साथ रखें। दोनों बातों का मतलब एक ही है, चाहे इधर से गिनो चाहे उधर से। तो क्या पति पत्नी का प्रेम इतना तुच्छ होता है कि आज आप उसकी गिनती भी नहीं करना चाहते? पति पत्नी का प्रेम तुच्छ नहीं, बड़ी उच्च वस्तु है, और सच पूछो तो वही संसार में सब कुछ है, लेकिन संसारियों के लिए, त्यागियों के लिए नहीं। तो क्या पति के त्यागी होने का मतलब पत्नी को भी त्याग देना होता है? पति देवता बनकर संसार में पूजा जाए और पत्नी अछूत बनकर गहरे सागर में डूब जाए, ये कहाँ का त्याग है, ये तो स्वार्थ है। लेकिन मैंने देवता बनने के लिए गृहस्थी का त्याग नहीं किया, तुलसी ने तो रोते हुए भारत को, रोते हुए संसार को हंसाने के लिए अपनी रत्ना को रुलाया। बहन रत्नावली, आंसुओं के जहर का प्याला भगवान शंकर के समान आज तुम भी हंसते हंसते पी लो। तुलसीदास जैसे महात्मा बड़े भाग से संसार को मिलते, उन्हें मच्छीनो उसके हाथ से, मच्छीनो बहन। आज संसार मेरे हाथों से मेरे स्वामी को छीन ले, भक्त को भगवान मिला, भगवान को भक्त मिला, संसार को महात्मा मिला, और रत्ना को क्या मिला? उस दिन स्वामी मुझे जीत कर चले आए, लेकिन आज मैं हार कर जाने वाली नहीं। तुम तो मुझे ज्ञान देने वाली मेरी गुरु हो रत्नावली, अपने गुरु को कोई कभी नहीं जीत सकता। मैं सच्चे हृदय से अपना न्याय तुम्हारे हाथ में सौंपता हूँ, और राम की सौगंध खाकर वचन देता हूँ कि आज तुम जो कुछ भी न्याय करोगी उसे मैं सर झुकाकर मान लूंगा। जब न्याय करने बैठी हूँ तो मैं अपने सुख के साथ अन्याय नहीं करूंगी। और मेरा सुख उसी में है जिससे मेरे पति को सुख मिले। आज मैं अपना सुख मांगकर संसार की भलाई के रास्ते में आड़े आकर स्त्री जाति के ऊपर स्वार्थी होने का कलंक नहीं लगाऊंगी। आपको जो अच्छा लगे वही कीजिए। धन्य हो रत्नावली, धन्य हो। है धन्य सुहागिन वो जिसने भारत को तुलसीदास दिया।
सच मानो तुलसी ना हो तो हिंदी कहीं तो हिंदी कहीं परी होती। उसके माथे पर रामायण की बिंदी नहीं जड़ी होती। बीसों बसंत देकर जिसने बदले में बस चौमास लिया है धन्य सुहागिन वो जिसने भारत को तुलसी दास दिया। जाओ कवि जब तक राम अमर दुनिया में तेरा नाम अमर। दुनिया पूजेगी रघुवर को गूंजेगा तेरा सर घर घर। जीवन तो दिया हरि को हमको हरि लीला का इतिहास दिया है धन्य सुहागिन वो जिसने भारत को तुलसीदास दिया।